हेल्थ केयर के ऑथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नया अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आपसे थोड़ा सा बात करेंगे मास्क के बारे में। दोस्तों आजकल बड़ा कॉमन हो गया है मास्क का यूज़ करना, तो मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा दोस्तों कि एक्चुअल में मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों आपका क्या विचार है? दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी जो मैं बात करूँगा वो मेरा अपना खुद का विचार है, ठीक है। मैं ये कतई नहीं चाहूँगा कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करें। आप अपने हिसाब से सोचें, जो मेरे हिसाब से सही लगा वो मैंने बातें आपसे शेयर करूँगा और आपको जो सही लगेगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों मुझे अच्छा लगेगा आपके कमेंट जान करके। दरअसल दोस्तों आज के समय में आप देखिए तो चारों तरफ ये बातें हो रही हैं कि मास्क का यूज़ करना चाहिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। तो दोस्तों आप मुझे बताइए कि मास्क लगाने के बाद में क्या क्या चीज़ें होती हैं, आप ज़रा खुद सोचिए कि मास्क लगाने के बाद में क्या कंडीशंस होती है। अब जैसे हमने मास्क लगाया तो मास्क लगाने के बाद क्या होता है कि आप जो एयर हम लेते हैं और जो एयर हम अंदर से बाहर छोड़ते हैं उन दोनों में कितना अंतर है। जो अंदर हम ले रहे हैं हवा उसमें जो बाहर की हवा है ऑक्सीजन वो थोड़ी मात्रा में, और जो मास्क के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रह गई है वो, ये दोनों चीज़ें अंदर जाती है ना। अब जब हम बाहर छोड़ते हैं तो वो क्या आती है, कार्बन डाइऑक्साइड आती है। कार्बन डाइऑक्साइड आने के बाद में उसके साथ साथ में ड्रॉपलेट्स आते हैं जो कि आ करके जो मास्क होता है उसके इनर साइड में इकट्ठे हो जाते हैं। अब जितने भी शरीर में वायरस बैक्टीरिया जो कि बाहर निकलते हैं और वो जाके इकट्ठे हो जाते हैं, जब हम अगली बार सांस लेते हैं तो वो वापस फिर से अंदर जाते हैं। अब दोस्तों शरीर की एक मैकेनिज्म होती है कि वह जितने भी ख़राब बैक्टीरिया या वायरस होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने की, और अच्छे या जो भी चीज़ें होती हैं अच्छे वायरस या एक्टिव बैक्टीरिया होते हैं तो उनको वो प्रमोट करती है ताकि वो ख़राब चीज़ों को सही करें, ठीक है ना। अब इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जब हम बाहर कोई चीज़ सांस के माध्यम से छोड़ते हैं तो वो एयर के अंदर जाती है, कॉन्टैक्ट में जाती है, बाहर सूर्य का प्रकाश है, ताज़ी हवा है, तो बड़े सारे वायरस बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि किल हो जाते हैं सूर्य के प्रकाश में या फिर बाहर के वातावरण में। अब जब हम अंदर इनहेल कर रहे हैं हवा को और मास्क लगा हुआ है तो जो ड्रॉपलेट के अंदर में जब बार 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 जाएगा तो क्या होता है कि वहाँ पे फंगल का ग्रोथ होना शुरू हो जाता है, फंगस लगना शुरू हो जाता है। देखिए जहाँ पर मॉइस्चर होता है वहाँ पर फंगल ग्रोथ होती है। जैसे साइड में देखिए थाई रीजन में जब मॉइस्चर हो जाता है, वहाँ गीलापन हो जाता है तो क्या होता है, वहाँ पे फंगस लगता है और दाद के रूप में या एक्जिमा के रूप में हमको दिखाई देता है। ऐसे ही जहाँ पे भी पानी इकट्ठा होता है, मॉइस्चर इकट्ठा होता है, वहाँ पे फंगस का ग्रोथ होता है। दोस्तों अब आप सोचिए कि जब किसी मास्क को हम लगाए रहते हैं और उसको हम दिन भर लगाए हुए हैं या उसमें बीच बीच में कभी लगा रहे हैं कभी हटा रहे हैं, तो जो अंदर मॉइस्चर जा रहा है क्या वो सूख पा रहा है तुरंत? क्या वो वाकई तुरंत सूख जाता है? ऐसा नहीं होता दोस्तों। और बड़ी बार तो ये भी होता है कि हम अगर एक दिन हमने यूज़ किया मास्क को तो अगले दिन उसको हम साफ़ करके यूज़ करें, ये भी मुश्किल से होता है, कुछ कम लोग ही कर पाते होंगे। अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने अगर धुला तो जो फंगल ग्रोथ होगा वो वहाँ से समाप्त हो जाएगा अगले दिन फिर से आपने फ्रेश तरीके से यूज़ किया तो आप इन चीज़ों से थोड़ा बच के रह सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप आज मास्क यूज़ किया, आपने वही मास्क आपने कल भी यूज़ किया, परसों भी यूज़ किया, तो जो क्या होता है कि वो जो फंगस वहाँ पे एक तो मॉइस्चर इकट्ठा हो गया, वहाँ से फंगल ग्रोथ होना शुरू हो गया कुछ समय के बाद में, चूँकि फंगस तो चारों तरफ हमारे आसपास में वो इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ पे। अब जो ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है और वापस जब वही हम हवा अंदर लेते हैं तो वो हमारे फेफड़े के अंदर जा करके मात्रा उसकी बढ़ जाती है, क्वांटिटी, चूँकि आप जानते हैं कि इसका ग्रोथ बहुत तेज़ी से होता है। वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगस है, इनका ग्रोथ तेज़ी से होता है, तो क्या होता है कि इनकी संख्या बढ़ जाती है, करोड़ों अरबों में संख्या होती है। इसलिए अब जहाँ पे इकट्ठे होंगे तो शरीर का मैकेनिज्म होता है कि अगर कहीं पे बाहर की कोई चीज़ है तो उसको कवर करना। अब कवर कैसे करता है इसको समझिएगा, जब हम अंदर कोई चीज़ लेते हैं या वायरस बैक्टीरिया अंदर गया तो क्या होता है कि अगर फेफड़े के आसपास में है, ठीक है, तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में या फेफड़े के आसपास में, तो वहाँ पर क्या होता है म्यूकस का स्राव करती है बॉडी, क्या करती है म्यूकस का स्राव करती है, और म्यूकस में क्या होता है वो सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है, एक तो उसके अंदर फंस जाती है, दूसरा क्या होता है कि वो टेम्परेचर को बढ़ाती है।
उसके साथ साथ में टेम्परेचर बढ़ाती है, एक तो उसने किया, दूसरा काम होता है टेम्परेचर बढ़ता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है कि जितने भी वायरस बैक्टीरिया होते हैं वो किल हो जाते हैं एक हाई टेम्परेचर में। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे ही 100 क्रॉस करता है, तो हम तुरंत पैरासीटामॉल या कोई और दूसरी दवा ले लेते हैं ताकि वो सबसाइड कर जाए। दोस्तों, जो नेचुरल मैकेनिज्म है बॉडी की वायरस को समाप्त करने की, हमने उसको क्या किया, डिस्ट्रॉय कर दिया। नेचुरली वो नहीं समाप्त हो पा रहा है, अदरवाइज अगर टेम्परेचर बढ़ता तो वो नेचुरली उसको समाप्त कर देता और धीरे धीरे बलगम के रूप में सारी चीज़ें बाहर आ जाती, कफ के रूप में बाहर आ जाती। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देते हैं, पैरासीटामॉल खाकर उसको कम कर देते हैं या कोई और दवा खाकर उसको कम कर देते हैं। तो एक गलती तो यहाँ पे होती है, एक तो मास्क लगाया लंबे समय तक, ऊपर से दूसरी गलती कि हमने टेम्परेचर हुआ तो ऊपर से अंग्रेजी दवा खा ली। अब तीसरी गलती क्या होती है दोस्तों, अब टेम्परेचर कम हो गया, इन्फेक्शन तो फैल ही रहा है, अब वो क्या होता है कि धीरे धीरे करके फैलना शुरू हो जाता है लंग्स में। अब लंग्स में जब फैलना शुरू हो जाता है तो वहाँ पे भी शरीर अपना काम करता है। वो कैसे काम करता है कि वहाँ पे शरीर नेचुरली उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है। दोस्तों, दूसरा काम क्या करता है कि शरीर में ऑक्सीजन के लेवल को नेचुरली कम करता है। नेचुरली कम करने से क्या होता है, इस कंडीशन को बोलते हैं हैप्पी हाइपोक्सिया। हैप्पी हाइपोक्सिया में क्या होता है दोस्तों कि हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाना नेचुरली। ये बॉडी का अपना मैकेनिज्म है उसको समाप्त करने के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन की कंडीशन में क्या होगा कि वो ग्रोथ करता जाएगा, ऑक्सीजन कम होगा तो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी और वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा जो भी बैक्टीरिया वायरस अंदर रहेगा। तो अब हम क्या करते हैं कि आजकल यूज़ करते हैं पल्स ऑक्सीमीटर लगा लेते हैं। अब पल्स ऑक्सीमीटर का क्या होता है कि आपने कई सारे वीडियोस देखा होगा जिसमें वो फॉल्स भी रीडिंग्स देता है, कोई और चीज़ आपने यूज़ कर लिया तो उसमें भी रीडिंग आ जाती है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट दोस्तों क्या होता है कि नेचुरली अगर आप देखिए कि एक बड़ी बार मैंने खुद देखा हुआ ऐसे पेशेंट को जिनको पल्स ऑक्सीमीटर लगाने के बाद में 90 आ गया पल ऑक्सीजन का लेवल, लेकिन पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं है। ये कंडीशन होती है हैप्पी हाइपोक्सिया के दोस्तों। अब वहाँ पे क्या होता है कि जो भी लोग चेक करते हैं वो और भी लोग, क्योंकि बताया जाता है कि 90 के नीचे आना मतलब ये कि आपने फिर ऑक्सीजन लगवाइए, ये करिए वो करिए, तो एक इंसान अंदर से ही डर जाता है। तो जब भी आप डरेंगे तो आपकी इम्यूनिटी क्या होगी, कम होगी। ये हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि आप अगर डरते हैं तो आपकी इम्यूनिटी क्या होती है, कम होती है। अगर आप खुश हैं तो आपकी इम्यूनिटी क्या है, बढ़ जाती है। तो ये ध्यान देने वाली चीज़ है कि आपने डरना नहीं, पहली चीज़ से। दूसरी चीज़ क्या है, जैसे ही हैप्पी हाइपोक्सिया की कंडीशन डेवलप होती है बॉडी में तो नेचुरली शरीर उसको सही करना चाहता है कि ऑक्सीजन कम मिलेगा, वायरस समाप्त हो जाएंगे, उसके बाद हम उसको ओवरकम कर लेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं कि वहाँ पे ऑक्सीजन ऊपर से देना शुरू कर देते हैं जो कि नहीं देना चाहिए, ऐसी कंडीशन में जब तक कि वाकई रिक्वायरमेंट ना हो। नॉर्मल कंडीशन है, सिर्फ पल्स ऑक्सीमीटर हमने चेक कर लिया और वो 90 तक पहुँच गया तो हमने देना शुरू कर दिया ऑक्सीजन, ये एक गड़बड़ी है। आपने ऑक्सीजन देना शुरू कर दिया मतलब क्या है कि आपने वायरस को, बैक्टीरिया को और ज़्यादा पनपने का मौका दे दिया। अब वो और ज़्यादा पनपेंगे और ज़्यादा फेफड़े के अंदर फैल जाएंगे, अब उनको ठीक करना और ज़्यादा मुश्किल होता जाता है। तो दोस्तों, ये लॉजिक समझना बड़ा ज़रूरी है, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि हमने कब देना है कब नहीं देना है। और सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट जो होता है दोस्तों, या तो आप आयुर्वेदिक या फिर होम्योपैथिक दवाओं का सेवन कराइए। ऐसी कंडीशन में मैंने जो देखा हुआ जिन लोगों को सही होते हुए उन्होंने इन्हीं सारी चीज़ों को यूज किया है। तो मेरी बात दोस्तों समझ में आ गई होगी। आज मैं जो आपसे बात करना चाह रहा था, एक तो मास्क के बारे में मैं फिर से समराइज कर दे रहा हूँ। पहली बात तो मास्क लगाने से क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, मैंने आपको बताया। हाँ, मास्क लगाने से ये हो सकता है कि बाहर की धूल गंदगी ऐसी चीज़ें ड्रॉपलेट्स वो आपको रोक सकते हैं, लेकिन उसका एक नुकसान भी है कि आप जब उसको लगाते हैं तो जो ड्रॉपलेट आपके मुंह से जाता है वहाँ पे मॉइस्चर इकट्ठा होता है, वहाँ पे फंगल ग्रोथ होता है। वही फंगस आज की डेट में जिसको ब्लैक फंगस, वाइट फंगस और अलग अलग फंगस, येलो फंगस के नाम से जाना जाता है, वो उसका कारण यही है दोस्तों। और बड़ा कारण ये है कि इम्यूनिटी वीक होना। एक तो इम्यूनिटी वीक, ऊपर से आपने मास्क लगा लिया तो और ज़्यादा फंगस जाने के बाद अंदर ग्रोथ करना शुरू हो जाता है, चूँकि वो इसको इम्यूनिटी वीक मिल जाती है शरीर में, इसलिए ऐसा होता है। दूसरा दोस्तों, मैंने आपको बताया कि आपने अगर शरीर में
टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आपने घबराना नहीं है, 103 जब जाए उसके ऊपर जाए तब आपने कुछ करना है, अदरवाइज नॉर्मल 101 102 टेम्परेचर तक कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। शरीर को अपना काम करने दीजिए, और अगर आपको टेम्परेचर ज़्यादा लगता है तो उसको कम करने का जो नेचुरल तरीका है दोस्तों, माथे पर पट्टी करना, पेट पर पट्टी करना और पैर पे आपके जो घुट्टी होती है जिसको एंकल ज्वाइंट बोलते हैं उसके ऊपर का जो पोर्शन होता है वहाँ पे पट्टी करना, तो वो दोनों पैर में और पेट में और माथे पे पट्टी करना, अगर 102 के ऊपर जाता है तब, उसके नीचे नहीं, ठीक है, ये करना है दोस्तों। इससे ये चीज़ आपकी मैनेज हो जाएंगी। तीसरा मैंने आपको बताया कि हाइपोक्सिया की कंडीशन में आपने बार बार पल्स नहीं चेक करना, एक इंसान को आप मोरल वैसे डाउन कर दे रहे हैं अगर आप बार बार उसको चेक कर रहे हैं तो, एक इंसान वैसे ही परेशान हो जाएगा अंदर से, तो ये नहीं करना है दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये, ठीक है। तो दोस्तों इन चीज़ों को अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं इन सारी बातों को, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो भी पेशेंट आपके होंगे और साथ में आवश्यकता हो तो आप होम्योपैथिक दवाएं लीजिए, आयुर्वेदिक में भी जो चीज़ें संभव हो उनको लीजिए, नेचुरली जो चीज़ें शरीर में दी जाए विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा दीजिए, तो इससे तेज़ी से इम्यूनिटी इम्प्रूव होगी और रिकवरी बड़ी तेज़ी से होगी दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज की जानकारी से फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा, और दोस्तों अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी तो उसको शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइएगा ताकि और जो जानकारी आपके पास आए उसकी भी जानकारी आपको मिलती रहे दोस्तों, नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और हाँ कमेंट जरूर करिएगा। ओके दोस्तों, जय हिंद जय भारत।